हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। हम आज आपके लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्यूल ईंधन लेके आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो हम आज ईंधन के बारे में ही बात करते हैं। ईंधन, आप सभी जानते होंगे कि ईंधन एक रासायनिक पदार्थ है जिससे हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश मिलती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से सबसे, इन तीनों में से सबसे अच्छा ईंधन गैस को माना गया है, क्योंकि सबसे अच्छा ईंधन है, इसका पूर्ण दहन हो जाता है, कोई अपशिष्ट नहीं बचता, कोई भी गैसों से धुआं नहीं निकलता है। तो हम सबसे पहले इन ईंधनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस ईंधन। ठोस ईंधन आप सभी जानते होंगे, जैसे कोयला, लकड़ी, कंडे जिसे काउडंग कहते हैं, कोक, चारकोल, लकड़ियों से के जलाने से बचते हैं उसे चारकोल कहते हैं, कोक, कोयले के चूरे से गोल लड्डू आकृति की जो होती है उसे कोक कहते हैं। अब हम द्रव ईंधन के बारे में बात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डीजल, एथेनॉल, केरोसिन, गैसोलिन। आप सभी जानते ही होंगे एलपीजी में, जब एलपीजी गैस हम घर में रखते हैं जिसे घरेलू गैस या रसोई घर गैस कहते हैं, तो इसमें कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे रिसाव होता है, तो उस रिसाव को पहचानने के लिए उसमें एथाइल मरकैप्टल का यूज़ किया जाता है। हम गैस ईंधन के बारे में बात करेंगे, जैसे नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, वाटर गैस, कोल गैस। इसमें सबसे अच्छा और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान अत्यधिक होता है। थैंक यू।